इसमें हम देखेंगे कि विलयन होता क्या है और किस किस अवयवों से मिलकर बना होता है, और किसी विलयन की अगर हमें सांद्रता को प्रदर्शित करना है तो हम कौन कौन से अलग अलग विधियों का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे कुछ अन्य बिंदुओं पर अगर हमारे पास समय बचा तो। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसे कहते हैं सॉल्यूशन। तो आखिर यह विलयन होता क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण, तो हम जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उससे हमें मिश्रण, जो हमें ये दोनों को मिलाने पर जो चीज प्राप्त होती है उसको हम मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण दो प्रकार का हो सकता है। एक मिश्रण ऐसा हो सकता है जो कि समांगी हो, और एक ऐसा हो सकता है जो समांगी ना हो, इसे असमांगी या विसमांगी भी कह सकते हैं। तो इनको पहले समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। अगर हम एक गिलास में या किसी कंटेनर में पानी और दूध, एक साइड से पानी और एक साइड से दूध, इनको मिक्स करेंगे तो हमें कुछ समय बाद एक ऐसा मिश्रण प्राप्त होगा जिसके हर एक भाग, चाहे आप इस हिस्से को देखें, आप इस हिस्से को देखें, आप इस हिस्से को देखें, आप बीच के हिस्से को देखें, सारे के सारे हिस्सों का जो संघटन होगा, संघटन और गुण दोनों समान होगा। एक और एग्जांपल से बताऊं अगर मैं आपको, अगर दूध की जगह आप यहाँ नमक ऐड करते हैं, इसमें अगर हम नमक मिला दें, नमक और पानी, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जबकि नमक इसमें डिजोल्व हो जाता है तो आप इस सॉल्यूशन के, इस विलयन के, इस मिक्सचर के किसी भी हिस्से से, चाहे ऊपर कोई छेद करके इससे पानी निकालें या नीचे से निकालें, उसका समान स्वाद होगा, उसका गुण समान होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं, कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं जिनके हर एक हिस्से का संघटन और गुण समान होता है। जबकि अगर हम किसी बर्तन में अगर चना प्लस चना प्लस अगर हम इसमें करते हैं गेहूं, चना प्लस गेहूं, ठीक है, तब क्या होगा? आप देखेंगे कि कभी ऐसा होगा कि चना इस हिस्से में ज्यादा हो जाएगा और गेहूं इस हिस्से में ज्यादा हो जाएगा, फिर इसको मिक्स करेंगे तो चना यहाँ ज्यादा हो गया और गेहूं इधर ज्यादा हो गया। तो ऐसा आ सकता है, सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं कि चने और गेहूं का जो मिश्रण है वो समांगी ना हो, फिर इस तरह के मिश्रण को हम कहते हैं असमांगी मिश्रण, असमांगी मिश्रण। अर्थात इसमें जो हर एक हिस्सा होगा, चाहे आप इस हिस्से को लें और इस हिस्से को लें, तो यहाँ पर चना ज्यादा है और यहाँ पर गेहूं ज्यादा है, गेहूं ज्यादा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर गेहूं कम है, यहाँ पर गेहूं ज्यादा है, यहाँ पर चना ज्यादा है, यहाँ पर चना कम है, इस साइड में जिस साइड गेहूं है, तो यह एक असमांगी मिश्रण हो गया। अब हम आते हैं अपने विलयन पर। तो दो या दो से अधिक परिभाषा हम दे सकते हैं, दो या दो से अधिक अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, विलयन कहलाता है, ठीक है। तो अगर दो या दो से अधिक पदार्थ एक समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उसको हम विलयन कहते हैं।
अब हम जो यहाँ हमारी इस पूरी क्लास में, क्लास 12th में, हमें केवल ऐसे व्यंजनों का अध्ययन करना है जिसमें जो द्विअंगी होंगे, अर्थात जिसमें केवल दो अवयव होंगे, दो अवयव, और ये दो अवयव, इनमें से एक होगा विलायक, इनमें से एक होगा विलायक और दूसरा होगा विलेय। इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट और इसको कहते हैं सॉल्यूट। अब हम देखते हैं कि विलेय और विलायक क्या होते हैं। अब विलयन में जो अवयव, जो इस विलयन में जो अवयव अधिकता में होगा, अधिकता में होता है, उसे हम कहते हैं विलायक। ठीक है, और इस विलयन में जो अवयव कम मात्रा में होता है, अर्थात जो न्यूनता में होता है, रहने देते हैं, कम मात्रा में होता है, होता है, उसे कहते हैं विलेय। उदाहरण के तौर पर जब हम जल और नमक का घोल तैयार करते हैं तो यह जो विलयन प्राप्त हुआ हमें, यह जो घोल प्राप्त हुआ, इस घोल में विलेय हो गया नमक, नमक और विलायक हो गया, विलायक हो गया जल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो अवयव अधिकता में होता है, यहां पर जल अधिकता में है, इसे जल हो गया विलायक, और नमक जो है उसकी मात्रा कम है तो यह हो गया विलेय। अब यहां पर एक और बात ध्यान देने की बहुत ही महत्वपूर्ण, कि अगर हमारे पास जो विलायक है तो विलायक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, अर्थात विलायक द्रव अवस्था में है या गैस अवस्था में है या ठोस अवस्था में है, इसमें से जो भी इस विलायक की भौतिक अवस्था होगी वह विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करेगी, भौतिक अवस्था को निर्धारित करती है। अब जैसे एक उदाहरण देखते हैं, अगर हमारे पास एक द्रव है, मान लीजिए जल है, सबसे इजी एग्जांपल है, इसमें हम चीनी मिक्स करते हैं तो चीनी मिक्स करने पर जो विलयन प्राप्त होता है, इस विलयन की भौतिक अवस्था क्या होगी, यह भी द्रव अवस्था में होगा। ठीक है, यह भी किस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में। अगर हम किसी गैस में, गैस ए प्लस गैस बी, या फिर गैस ना करें, यहां पर अगर गैस में नमी, मान लीजिए गैस में नमी मिक्स करते हैं, ठीक है, तो ऐसा अक्सर होता है बारिश के दिनों में, सर्दियों के दिनों में या गर्मियों के दिनों में भी होता है कि जो हवा होती है, हवा में, ये हवा होगी मान लीजिए हवा, ठीक है, तो हवा में जब नमी मिक्स करते हैं तो जो हमें मिश्रण प्राप्त होता है, जो विलयन प्राप्त होता है, इसकी अवस्था कैसी होती है, यह गैस अवस्था में होता है, गैस अवस्था में। ठीक है,
तो हम देखते हैं कि हमारा जो ये दोनों विलायक हो गए, ये विलायक हो गया और ये विलेय हो गया। तो हम देखते हैं कि विलायक की जो भौतिक अवस्था थी वही भौतिक अवस्था विलयन की भी है। यहाँ पर भी देखें तो जो विलायक है हवा, इसकी भौतिक अवस्था गैस है, और जो विलयन है इसकी भी गैस भौतिक अवस्था क्या है, गैस है। तो यह एक बहुत ही सामान्य नियम है कि विलायक की भौतिक अवस्था ही विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करती है। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा जो द्विअंगी द्विअंगी विलयन हो गया, इस विलयन में दो चीजें हो गई, एक विलेय हो गया और प्लस विलायक हो गया, प्लस विलायक हो गया। ठीक है, तो विलेय और विलायक इन दोनों की हम मात्रा के, अब हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी विलयन की सांद्रता को कहीं पर रिप्रेजेंट करना है, कहीं पर लिखना है, बताना है, तो हम इस विलेय और विलायक की कितनी मात्रा है उसके अलग अलग विधियों का यूज करते हैं। तो कुछ विधियां मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि सांद्रता कैसे प्रदर्शित की जाती है। जैसे एक सांद्रता प्रदर्शित करने का, सांद्रता का पहला स्केल होता है जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। तो अगर मैं कहूं कि मेरा सॉल्यूशन जो है, मेरा विलयन जो है वो, अब मान लीजिए कि जल और नमक का घोल तैयार किया हमने और इसकी सांद्रता हमें प्रदर्शित करनी है, और मैं कहूं कि इस विलयन की सांद्रता है नमक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 40%। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस पूरे विलयन का जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान का 40% नमक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया विलेय अर्थात नमक। पहले हमारा जो एग्जांपल है वहां से स्टार्ट करते हैं, नमक का द्रव्यमान इनटू 100 डिवाइडेड बाय जो हमारा घोल है, घोल का द्रव्यमान। ठीक है, घोल का द्रव्यमान, ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। अब एक एग्जांपल देखते हैं। अब इसको अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो नमक की जगह आप इसको लिख सकते हैं, नमक की जगह आप लिख सकते हैं कोई भी सॉल्यूट, और घोल मतलब विलयन हो गया हमारा। तो विलयन का द्रव्यमान कितना है वो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। अब उदाहरण के तौर पर जैसे हमने यहाँ पर बताया कि नमक का द्रव्यमान प्रतिशत 40 है, तो इसका अर्थ यह है कि विलेय की जो मात्रा है, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि अगर हमारे पास 100 ग्राम विलयन है और इसमें हम अगर 100 ग्राम विलयन है तो इसमें से 40 ग्राम नमक है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं अपनी, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 40 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100। ठीक है, तो इक्वल टू 40%।
द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो गया? द्रव्यमान प्रतिशत हो गया नमक का जो द्रव्यमान था, विरे का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विरजन का द्रव्यमान इंटू 100 इक्वल टू 40%। तो इस तरह का एक और उदाहरण देखते हैं। अब अगर हमारा प्रश्न है 200 ग्राम पानी में, 200 ग्राम पानी में 25 ग्राम चीनी घुली हुई है, घुली हुई है, ठीक है। तो विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में प्रदर्शित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो इसका हल क्या हो जाएगा देखते हैं। अब हमारे विलयन का द्रव्यमान कितना है? विलयन का कुल द्रव्यमान बराबर 200 ग्राम, और चीनी का कुल द्रव्यमान बराबर 25 ग्राम, ठीक है। तो चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 200, क्योंकि चीनी इतनी और सॉल्यूशन इतना है, इंटू 100। ये इससे कैंसिल हो गया, 25/2 = होता है 12.5, इतना परसेंट चीनी का प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि विलयन की सांद्रता, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, विलयन की सांद्रता सांद्रता 12.5%, एक मिनट, विलयन की सांद्रता चीनी की द्रव्यमान प्रतिशत 12.5% है, ठीक है। ये आंसर हमारा हो गया, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्केल पर, नेक्स्ट विधि पर। तो वह हो गई सांद्रता प्रदर्शित करने की, जो दूसरी विधि हो गई वह आयतन प्रतिशत द्वारा, आयतन प्रतिशत, इसको स्मॉल वी डिवाइडेड बाई कैपिटल वी से दिखाते हैं। और द्रव्यमान प्रतिशत को मैं यहां बताना भूल गया, यहां अगर द्रव्यमान प्रतिशत है तो द्रव्यमान प्रतिशत को हम स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल डब्ल्यू से दिखाते हैं। तो अब है हमारा आयतन प्रतिशत, इसका अर्थ यह है, आयतन प्रतिशत बराबर, आयतन प्रतिशत हो गया हमारा विरेय का आयतन डिवाइडेड बाय संपूर्ण विलयन का आयतन, आयतन इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। अब उदाहरण के तौर पर अगर हमारे विलयन का आयतन, अगर मैं कहूं कि
वजन का आयतन है 200 मिलीलीटर, ठीक है, और इसमें हमने विलेय ऐड किया, विलेय का आयतन बराबर 20 मिलीलीटर, ठीक है, तो आयतन प्रतिशत, तो इस विलेय का, विलेय का आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन 20 ml डिवाइडेड बाय 200 ml इनटू 100 बराबर, ये ml से ml कट जाएगा, ये 200 से 100 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 10 आएगा, ठीक है, तो ये हो गया 10%, ये आयतन प्रतिशत हो गया, ठीक है, इस प्रकार आयतन प्रतिशत निकाला जाता है। तो यह दूसरी विधि हो गई। अब हम तीसरे मेथड पे आते हैं। तीसरा मेथड हो गया द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन प्रतिशत, ठीक है, अर्थात W/V, ठीक है, W/V। तो इसमें कैसे क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई संपूर्ण विलयन का आयतन, आयतन इनटू 100। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास 200 ml, 200 ml विलयन है, ठीक है, इसमें हम, जिसमें जिसमें 15 ग्राम विलेय है, ठीक है, तो इसका द्रव्यमान बटे प्रतिशत क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान बटे प्रतिशत हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा, आयतन प्रतिशत बराबर 15/200 इंटू 100 इक्वल टू 7.5%। तो ये हमारे डिफरेंट स्केल्स हो गए। आगे की विधियां हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।